हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। सो आज के लेक्चर में विल स्टार्ट विद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। लेट्स सी कौन से पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में। सबसे पहला पॉइंट होगा मेरा फिजिकल स्टेट के रिलेटेड, ठीक है, उसके रिलेटेड पॉइंट। सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर। थर्ड, सॉलिबिलिटी ऑफ ईथर। फोर्थ, डाइपोल मोमेंट। एंड फिफ्थ, बॉन्ड एंगल ऑफ ईथर, ठीक है। ये पांच पॉइंट के ऊपर डिस्कशन होगा। पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल स्टेट, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, डाइपोल मोमेंट और यू कैन से पोलैरिटी, एंड द लास्ट वन इज बॉन्ड एंगल, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला नंबर वन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब हो गया कि ये ओरिजिनली कौन सी स्टेट में मिलते हैं, बराबर, रूम टेम्परेचर पे ये कौन सी स्टेट में मिलते हैं। तो अगर मैं यहां पे बात करूं ना, तो डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर, आई रिपीट, डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर, ये दोनों के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये दोनों रूम टेम्परेचर पे आर फाउंड इन गैसियस स्टेट, बराबर, दे आर फाउंड इन गैसियस स्टेट। Whereas other ether, बाकी के जो ether हैं, other ethers are present in liquid state. बाकी के सारे ether liquid state में मिलते हैं, सिर्फ dimethyl ether and ethyl methyl ether is found in gaseous state, ठीक है। Yes, they are colorless liquid, you can say. Other ethers are colorless liquid. If I ask you diethyl ether, colorless liquid. बराबर, और भी बड़े मेंबर, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन, दे ऑल आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट। सेकंड पॉइंट इज रिलेटेड विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर, बराबर। बॉइलिंग पॉइंट को मैं कैसे रिलेट कर रहा हूं, ध्यान देना। बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैं ऐसे बोल रहा हूं कि ईथर जो होते हैं ना, ईथर्स, उनका जो नेचर है, दे आर हाईली वोलाटाइल इन नेचर, बराबर। ईथर्स आर हाईली वोलाटाइल इन नेचर, ईथर्स आर हाईली वोलाटाइल इन नेचर, बराबर। वोलाटाइल का मतलब क्या हुआ, वोलाटाइल लिक्विड किसे बोलते हैं, वोलाटाइल लिक्विड आर बेसिकली दोज लिक्विड विच हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। प्रैक्टिकल डेटा के हिसाब से बात करेंगे तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, दोज आर वोलाटाइल लिक्विड। जिनका बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, दोज आर नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ईथर्स आर हाईली वोलाटाइल इन नेचर, बराबर, बहुत ज्यादा वोलाटाइल इन नेचर होते हैं। और ये जो वोलाटिलिटी नेचर है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट के साथ जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है, बराबर। तो यहां पे पहला पॉइंट मैंने बोला कि ईथर्स आर हाईली वोलाटाइल इन नेचर, देयरफॉर ईथर्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। ईथर्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि रिलेशन क्या मिलता है, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलाटिलिटी। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी मतलब क्या, वोलाटाइल होना मतलब टेंडेंसी टू गेट छू, ऊपर उड़ जाने की टेंडेंसी, उसी को वोलाटाइल बोलते हैं ना, ठीक है। तो ईथर्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका ही आइसोमर अल्कोहल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत अच्छा होता है, ठीक है, बट ईथर का बात आता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, क्यों आपने ऐसा बोला कि ईथर्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, या फिर क्वेश्चन आ जाए कि वाई ईथर्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। तो उसका आंसर ये है, उसका रीजन ये है कि लाइक अल्कोहल ईथर्स डोंट हैव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयर इज इन केस ऑफ ईथर। रीजन का सिंपल सा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा मालूम है, इन केस ऑफ ईथर देर इज एब्सेंस ऑफ इंटर मॉलिकुलर
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल मॉलिक्यूल आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ईथर ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, बराबर। और जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, एसोसिएशन नहीं होगा, क्लोज नहीं रहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं रहेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे ज्यादा होगा? बात समझ रहे हैं आपको? क्लियर हो रहा है पॉइंट? ठीक है, तो ईथर्स के लो बॉइलिंग पॉइंट का रीजन क्या है? एब्सेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? तो ये मान लो ये पॉइंट नंबर वन। ठीक है, पॉइंट नंबर टू मैं ऐसे बोल रहा हूं ईथर्स के बॉइलिंग पॉइंट में, कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास। जैसा जैसा मोलार मास बढ़ेगा ना, वैसा वैसा ईथर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। अंडरस्टूड है? क्योंकि मोलार मास बढ़ना मतलब क्या, अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ रहा होगा, साइज बढ़ेगा, बराबर। जितना ज्यादा साइज होगा मॉलिक्यूल का, उतना बर्न होने में ज्यादा टाइम लेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ऐसा सोचो, सरफेस एरिया ज्यादा हो गया ना, आप रिलेट किससे करते हैं? सरफेस एरिया से करते हैं ना, सरफेस एरिया बढ़ना यानी वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना, तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप बढ़ेगा। जैसे इफ आई कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट, से फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल डेटा के अकॉर्डिंग मैं कंपैरिजन बता रहा हूं आपको, डाइमिथाइल ईथर विथ इथाइल मिथाइल ईथर एंड डाइथाइल ईथर। प्रैक्टिकल डेटा बॉइलिंग पॉइंट का क्या सजेस्ट करता है, कि डाइमिथाइल ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज अराउंड 248 केल्विन, बराबर। इथाइल मिथाइल ईथर जो है वो 284 केल्विन के आसपास है। कितना? 284 केल्विन के आसपास है, whereas diethyl ether is around 308 Kelvin। और molar mass का comparison आप करेंगे तो dimethyl ether का formula क्या हो गया, C2H6O, 12 into 2 24, 24 plus 6 30, 30 plus 16 46, इसका molar mass 46 है। C3H8O, 12 into 3 36, 44 plus 16 यानी 60, बराबर। C4H10O, 12 into 4, 48 plus 10, 58, 58 plus 10, 68 plus 6, 74, बराबर। ये उनके मोलार मास है। तो आपको नहीं लग रहा कि जैसे जैसे मोलार मास बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट और मोलार मास का क्या रिलेशन आया? डायरेक्ट रिलेशन, कि जैसा जैसा मोलार मास बढ़ेगा वैसा वैसा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। कोई अगर क्वेश्चन पूछता है कि क्या रीजन है इसका, तो इसका सिंपल सा रीजन है, ईथर का अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ रहा है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है बात आपको? ठीक है ना, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ईथर्स को ना कंपेयर कर रहा हूं विथ अल्कोहल एंड अल्केन। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट में पॉइंट नंबर थ्री कंपेरिजन करेंगे हम लोग ईथर विथ अल्कोहल एंड अल्केन ऑफ कंपेरेबल मोलार मासेस, सिमिलर मोलार मास वालों से। ऐसा नहीं कि मोलार मास के बीच में डिफरेंस ज्यादा हो, एक दो ग्राम का डिफरेंस होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सी पॉइंट नंबर थ्री। थर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं कि ईथर्स हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट, ईथर्स हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आइसोमेरिक अल्कोहल। ईथर्स के जो आइसोमेरिक अल्कोहल है ना उनके कंपेरिजन में, ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा कम है, बराबर। एंड ऑलमोस्ट सेम एज दोज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन। अल्केन और अल्कोहल दो के साथ कंपैरिजन समझा रहा हूं मैं। अल्कोहल के केस में बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू ईथर। अल्कोहल के केस में बॉइलिंग पॉइंट ईथर से बहुत ज्यादा होगा, वेर एज इन केस ऑफ अल्केन, सॉरी सॉरी माय बैड,
अल्कोहल के केस में बॉइलिंग पॉइंट ईथर के कंपेयर में बहुत ज्यादा होगा, वेर एज इन केस ऑफ अल्केन दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर एंड अल्केन ऑलमोस्ट सेम होगा फॉर सेम कंपेरेबल मोलार मासेस, सिमिलर मोलार मास के लिए ना बात समझा आपको ठीक है कि अल्केन के साथ ऑलमोस्ट सेम है, हो सकता है कोई एक दो डिग्री ज्यादा हो कोई एक दो डिग्री कम हो, हम उसको मान के चलते कि ये सेम है ठीक है, उस एक दो के डिग्री के डिफरेंस को हम बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं करते, बट आइसोमेरिक अल्कोहल अगर आ गया ना सामने तब तो डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स ठीक है, और ये प्रैक्टिकल डेटा है, लर्न करने कर लेना इसको ठीक है। एग्जांपल देखना क्या दे रहा हूं मैं, एग्जांपल नंबर वन, व्हेन आई कंपेयर ब्यूटेन वन ऑल विथ डाइथाइल ईथर एंड एन पेंटेन ठीक है, कंपैरिजन में मैं क्या ले रहा हूं एन पेंटेन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा C5H12 ठीक है, मोलार मास 12 × 5 60, 60 + 12 = 72, डाइथाइल ईथर C2H5O 4 कार्बन है ठीक है, कितना हाइड्रोजन हो गए 10 बराबर, C4H10O मोलार मास C4 यानी 48, H10 यानी 58 प्लस 16 बराबर, 58 प्लस 16 कितना हो जाएगा 58 प्लस 10 68 और 6 74 ठीक है। ये समझो आपको क्यों मैंने ऐसा वर्ड डाला है कंपेरेबल मॉलिकुलर मासेस, जरूरी नहीं कि मोलार मास एकदम सेम ही होगा दोनों का, थोड़ा डिफरेंस है एक दो डिग्री सॉरी दो पॉइंट का चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्यूटेन वन ऑल फॉर्मूला यू नो वेरी वेल बराबर, अब डिफरेंस देखना इनके बॉइलिंग पॉइंट का, ब्यूटेन वन ऑल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना मोलार मास इसका भी 74 ही होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज अराउंड 117 डिग्री सेल्सियस, कितना 117 डिग्री सेल्सियस बराबर। डाइथाइल ईथर और जब आप एन पेंटेन को आपस में कंपेयर करते हैं ना तो डाइथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट याद है अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने कितना 308 के आसपास, अगर मैं डिग्री सेल्सियस में लिखना चाहूं तो कितना हो जाएगा 308 - 273 केल्विन बराबर 35 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन पेंटेन इज अराउंड 36 डिग्री सेल्सियस, तो इन दोनों को क्या बोला जाएगा कि इनका मास सेम है बराबर और अल्कोहल का इससे बहुत ज्यादा है ठीक है। कभी भी अगर कोई रीजन पूछे तो सिंपल सा रीजन क्या समझाना है कि इन केस ऑफ अल्कोहल देयर इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो उसको हेल्प कर रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने में ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक और प्रैक्टिकल डेटा, हेप्टेन वन ऑल का कंपैरिजन है विथ मिथाइल हेक्सेन वन ऑल, नॉट हेप्टेन वन ऑल, हेक्सेन वन ऑल का कंपैरिजन है विथ मिथाइल एन पेंटाइल ईथर और जो मैं अल्कीन यूज कर रहा हूं डेफिनेटली अल्कीन में एक कार्बन ज्यादा लेना पड़ेगा इन सब के कंपैरिजन से ठीक है, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन नहीं है ना, तो आपको तो मॉलिकुलर मास सेम रखने हैं, तो वहां पे आप ले लो दिस इज 5 1 6 6 ना 7 कार्बन एन हेक्सेन ठीक है। नाउ चेक दिस, इन केस ऑफ हेक्सेन वन ऑल, हाँ अब आप समझ गए कि मोलार मासेस ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, दैट बॉइलिंग पॉइंट इज अराउंड 430 केल्विन बराबर, बॉइलिंग पॉइंट इज अराउंड 430 केल्विन, योर बॉइलिंग पॉइंट इज अराउंड 373 केल्विन, योर बॉइलिंग पॉइंट इज अराउंड 371 केल्विन बराबर, दिख रहा है कभी किसी में बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों में किसी के पास एक दो डिग्री ज्यादा हो गया किसी के पास एक दो डिग्री कम हो रहा है, क्लियर हो रहा है बात, बट अल्कोहल इनसे बहुत दूर है क्लियर। तो थर्ड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया बॉइलिंग पॉइंट में वो कंपैरिजन था बिटवीन ईथर एंड अल्कोहल एंड अल्केन ठीक है। चल नेक्स्ट, आफ्टर डिस्कशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो नेक्स्ट पार्ट है
वो है सॉलिबिलिटी। ठीक है, सॉलिबिलिटी में ईथर जो है वो अल्कोहल को बराबर टक्कर दे रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा कम भी नहीं है। ठीक है, क्यों समझाता हूं मैं आपको। देखिए सॉलिबिलिटी जो है ना वाटर के अंदर ही यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, सॉलिबिलिटी यानी किसके साथ, वाटर के साथ डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं सॉलिबिलिटी कंपेयर करूं तो सॉलिबिलिटी में पॉइंट नंबर वन ईथर्स हैव ऑलमोस्ट सेम सॉलिबिलिटी, ऑलमोस्ट द सेम सॉलिबिलिटी एज आइसोमेरिक अल्कोहल। बराबर, ऑलमोस्ट जो अल्कोहल का सॉलिबिलिटी है ना, उनके जो अल्कोहल का सॉलिबिलिटी है वही सॉलिबिलिटी यहां पे ईथर्स का भी है। बराबर, जो अल्कोहल का सॉलिबिलिटी है ना वही सिमिलर सॉलिबिलिटी ईथर का भी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले ये समझा देता हूं कि ईथर्स कैसे सॉलिबल है। अल्कोहल को तो आप जानते हैं कि अल्कोहल सॉलिबल क्यों है, क्योंकि वो वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। क्या ईथर भी कैपेबल है उस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए? आंसर इज यस, ईथर इज ऑल्सो कैपेबल। बराबर, रीजन यहां पे अगर मुझे देना होगा ना, कोई पूछे कि ईथर्स क्यों सॉल्युबल है या ईथर्स का सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर अल्कोहल जैसा क्यों है, तो उसका रीजन मैं क्या लिखूंगा, उसका रीजन मैं ऐसे लिखूंगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर इन वाटर, सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर्स इन वाटर इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ईथर, इज बिकॉज ऑफ दैट ईथरल ऑक्सीजन। जो ईथर का ऑक्सीजन है ना, उसकी वजह से वॉटर के साथ सॉलिबिलिटी बन रहा है। चेक दिस, दिस इज योर ईथर आर ओ आर। बराबर, ये ईथर हो गया आपका। आर पार्ट जो है वो तो चलो ठीक है, वो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट हो गया, वो बॉन्डिंग नहीं दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बट वाटर के अंदर अगर मैं चेक करूं तो डोंट यू थिंक ये HOH, हाइड्रोजन विल कैरी डेल पॉजिटिव चार्ज, दिस ऑक्सीजन विल कैरी डेल नेगेटिव चार्ज। बराबर, और इन दोनों के बीच में क्या बनने के चांस है, इन दोनों के बीच में बनने का चांस है इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस, एंड इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ईथर का सॉलिबिलिटी है वॉटर के अंदर। बराबर, अल्कोहल से ज्यादा नहीं है, थोड़ा कम है। ठीक है, बट आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि डाइथाइल ईथर है मेरे पास, ठीक है, C2H5O, डाइथाइल ईथर। बराबर, तो इसका सॉलिबिलिटी है अराउंड 7.5 ग्राम पर 100 ग्राम इन वाटर। बराबर, 7.5 ग्राम इज सॉलिबल इन 100 ग्राम वाटर। बराबर, अल्कोहल का अगर आप बात करेंगे तो ब्यूटेन मोनोल, जैसे मैं कंपेरिजन के लिए ले रहा हूं ब्यूटेन मोनोल, तो उसका सॉलिबिलिटी 9 ग्राम तक है। बराबर, हम लोग सेम बोलने के लिए ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ऑलमोस्ट दोनों 8-8 ग्राम के आसपास, ये 8 ग्राम इन 100 ग्राम वाटर, ये भी 8 ग्राम इन 100 ग्राम वाटर। बात समझ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये तो हो गया सॉलिबिलिटी में फर्स्ट पॉइंट। आगे के पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि ये जो ईथर का सॉलिबिलिटी है ना वॉटर के अंदर, जैसे जैसे ईथर का मोलार मास बढ़ेगा, बराबर, दिस सॉलिबिलिटी, दिस एक्सटेंट ऑफ सॉलिबिलिटी, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग स्टूडेंट्स, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। बराबर, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एज द मोलार मास ऑफ ईथर इंक्रीजेस, एज द मोलार मास ऑफ ईथर इंक्रीजेस, देयर सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस, उनका जो सॉलिबिलिटी है ना वो धीरे धीरे कम होता जाता है। क्या रीजन है समझो थोड़ा। अब मान लो ये अल्काइल चेन हो गया, बराबर, फिर ये अल्काइल चेन होगा, मास बढ़ रहा है ना, फिर ये अल्काइल चेन होगा, कुछ समझ में आ रहा है? जैसा जैसा अल्काइल चेन बढ़ता जाएगा, ये जो अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप का नेचर कैसा होता है स्टूडेंट्स, अल्काइल ग्रुप्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। बराबर, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, नो डाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रहा होगा,
बराबर। बट अब जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना, वो हाइड्रोफोबिक पार्ट काफी बड़ा होते जा रहा है। ये पॉइंट नोट करना कि हाइड्रोफोबिक पार्ट काफी बड़ा होते जा रहा है। दैट इज द रीजन दैट एज द मोलार मास ऑफ ईथर इंक्रीजेस देयर सॉल्युबिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो अगर आपसे क्वेश्चन बने, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, तो उसका रीजन मैं क्या समझाऊंगा कि इसका रीजन क्या है। इसका रीजन है इंक्रीज इन द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। बराबर, जो अल्काइल ग्रुप है ना, उनका इंक्रीज, उनके साइज का बढ़ना ही यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तब पॉइंट नंबर 3, दिस ईथर इट इज ऑल्सो सॉल्युबल अपार्ट फ्रॉम वॉटर, इट इज ऑल्सो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इट इज ऑल्सो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एल्कोहल, इट इज सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म। बराबर, ये अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल है, ये क्लोरोफॉर्म के अंदर सॉल्युबल है, बेंजीन के अंदर भी सॉल्युबिलिटी दिखता है इसका, ठीक है, एसीटोन के अंदर भी सॉल्युबल है, और अच्छा खासा नेचर दिखता है सॉल्युबिलिटी का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी में भी 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए। अगला जो पार्ट है आफ्टर सॉल्युबिलिटी, दैट विल बी योर डाइपोल मोमेंट पार्ट। नाउ डाइपोल मोमेंट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को डाउट हो जाते हैं कभी कभी डाइपोल मोमेंट में, उनको लगता है कि शायद ये नॉन पोलार नेचर तो नहीं रख रहा है। ऐसा नहीं कि नेचर नॉन पोलार है, वीकली पोलार आप बोलोगे, ठीक है, क्यों समझाता हूं मैं। तो नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर फोर इज डाइपोल मोमेंट। बराबर, डाइपोल मोमेंट, ईथर का जो स्ट्रक्चर है ना स्टूडेंट्स, वो ईथर का स्ट्रक्चर, इट हैज बेंट स्ट्रक्चर, आई रिपीट, इट हैज बेंट स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है। स्टूडेंट्स को कभी कभी ऐसा लगता है कि ईथर का स्ट्रक्चर ऐसे ROR, बराबर, और वहां पे बॉन्ड मोमेंट शायद ऐसे आ रही हो, कार्बन ऑक्सीजन इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, कैंसिल। नहीं, गलत, ईथर का स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है, ईथर इट हैज बेंट स्ट्रक्चर। ये पॉइंट समझना ध्यान से कि ईथर का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बेंट स्ट्रक्चर है। बराबर, बेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से, बेंट स्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर प्रेजेंट है, वो लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से ईथर अपने आप को बेंट फॉर्म में रखता है। ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड मोमेंट, बराबर, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड मोमेंट, ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड मोमेंट, बराबर, क्लियर हो रहा है बात। ये दोनों कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड मोमेंट क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन नहीं है, ये दोनों क्या करेगा, ये नेट डाइपोल ऐसे देगा, ठीक है, बराबर। तो डेफिनेटली इट पजेस सम वैल्यू, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। यहां पे ईथर में ना जो नेट डाइपोल मोमेंट है ना, दैट नेट डाइपोल मोमेंट विल नेवर बी जीरो, कभी जीरो नहीं होगा। बात समझ रहे आप मेरा, जीरो कब होता था, जब उसका स्ट्रक्चर लीनियर हो। इसका स्ट्रक्चर लीनियर नहीं, इट हैज बेंट स्ट्रक्चर। बात समझ रहे, एक बॉन्ड मोमेंट ऐसा जा रहा है, एक बॉन्ड मोमेंट ऐसा जा रहा है, दोनों ऐड हो रहा है, ठीक है, वही वेक्टर जो आप वेक्टर एडिशन करते हैं वैसा ही है, क्लियर हो रहा है बात आपको, ठीक है। तो वीकली पोलार हम लोग बोलते हैं ना कि ईथर जो होता है, दे आर वीकली पोलार, इनका पोलैरिटी लेस देन वॉटर है, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लू डाइथाइल ईथर का, C2H5O C2H5, बराबर, ठीक है। तो इस केस में जब नेट डाइपोल मोमेंट देखेंगे ना, तो यहां पे नेट डाइपोल मोमेंट आता है अराउंड 1.18 डीबाई, बराबर, डीबाई इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, डीबाई जो है वो डाइपोल मोमेंट का यूनिट है, ठीक है। और ये वॉटर के कंपेरिजन में तो कमी हुआ ना, वॉटर 1.8 जाता है, ये 1.18 है, ठीक है। नो डाउट साइक्लिक ईथर्स थोड़ा अच्छा डाइपोल मोमेंट दिखाते हैं एज कंपेयर टू एलिफेटिक ईथर्स, ठीक है। नंबर 5, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का बात करेंगे ना, तो ईथर का जो ऑक्सीजन एटम है एलिफेटिक ईथर के अंदर,
ये जो आर ओ आर मैं बोल रहा हूं आपको, उसका जो ऑक्सीजन एटम है दैट ऑक्सीजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। बीइंग sp3 हाइब्रिडाइज इट एंगल शुड बी अराउंड 109 डिग्री बराबर। यहाँ पे जो एवरेज एक मैं बोल रहा हूँ वो 110 डिग्री के आसपास है। ये एंगल चेंज होता रहता है जैसे अल्काइल ग्रुप में चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि ये एंगल ऐसे ही रहेगा। उसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अल्काइल ग्रुप को मान लीजिए मैं हाइड्रोजन मानता हूं, एच ओ एच बराबर, एक एच एक ऑक्सीजन एक मिथाइल, यानी मैं कंसिडर कर रहा हूं मिथाइल अल्कोहल को भी, ठीक है, CH3 बराबर, क्या कंसिडर कर लिया मैंने, डाइमिथाइल ईथर का भी कंसिडरेशन ले लिया है, ठीक है। अब यहां पे मैं कंसिडर कर रहा हूं CCH3 टाइम्स बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, CCH3 टाइम्स बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, ठीक है। इनके कंपैरिजन से आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्यों अल्काइल ग्रुप वहां पे हाइड्रोजन हो या कोई अल्काइल, छोटा अल्काइल है या बड़ा अल्काइल है, तो वो कैसे एंगल को अफेक्ट कर रहा है। वाटर के केस में अगर आप चेक करेंगे ना तो दिस एंगल इज अराउंड 104 डिग्री आसपास, मैं एक अप्रोक्स वैल्यू लिख रहा हूं। मिथाइल अल्कोहल के केस में दिस एंगल इज अराउंड 108 डिग्री, डाइमिथाइल ईथर के केस में ये वैल्यू अराउंड 112 तक जाता है, और टर्ट ब्यूटाइल ईथर जब हम यूज करते हैं ना तो ये वैल्यू 132 डिग्री पहुंच जाता है। देखो इतनी वाले ग्रुप थे, इतनी हाइड्रोजन, छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप, तो एंगल कम था, बट जैसे जैसे वो ग्रुप आते गए मिथाइल बराबर, दो मिथाइल, बड़ा बड़ा ब्यूटाइल, तो उनके बीच में भी क्या होगा, उन बल्कि ग्रुप के बीच में भी रिपल्शन होगा, उन अल्काइल ग्रुप के बीच में भी रिपल्शन होगा, और जब उनके बीच में रिपल्शन होगा तो डेफिनेटली ये एंगल बढ़ेगा ना, देखो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बात समझ रहे आप, क्यों, क्योंकि ये दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है, और इन दोनों के रिपल्शन की वजह से ये एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा, बराबर, क्लियर हुआ आपको बात, आया पॉइंट समझ में, ठीक है। तो ये डिस्कशन अपना कंप्लीट हुआ विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। चलो नेक्स्ट आगे का बात करते हैं, यहां पे इमीडिएट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है ईथर का, ठीक है, जो मैंने 5 पॉइंट बोले बराबर से उनको लर्न करना, समझना, फिजिकल स्टेट के बारे में याद रखना, सॉल्युबिलिटी के बारे में याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में याद रखना, डाइपोल मोमेंट के बारे में याद रखना, और बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल में ये खास याद रखना कि कैसे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मिथाइल यूज किया तो बॉन्ड एंगल बढ़ा, फिर मिथाइल की जगह टर्ट ब्यूटाइल लिया तो बॉन्ड एंगल और बढ़ा, अल्काइल ग्रुप का रिपल्शन हुआ, ठीक है। चल नेक्स्ट, और नेक्स्ट डिस्कशन इज रिगार्डिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में सबसे पहला जो मैं बॉन्ड ब्रेकडाउन समझा रहा हूं, बराबर, जैसे अल्कोहल में नहीं था कि RO बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, बराबर, ऐसे यहां पे भी बॉन्ड्स के टाइप है। तो सबसे पहला जो मैं आपको फर्स्ट रिएक्शन बता रहा हूं वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर, रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर, ठीक है, जो ईथर का अल्काइल ग्रुप है ना उसके रिलेटेड की रिएक्शन, जैसे हम लोग लिखते हैं ना आर ओ आर, तो ये कुछ नहीं, ये रोल नहीं प्ले कर रहा है, ये जो आर होगा, आर मतलब इसके अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन होते हैं बराबर, जो अल्काइल होते हैं उसका रिएक्शन है, बराबर, कार्बन हाइड्रोजन का रिएक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर इट इज ऑल्सो पॉपुलर बाय द नेम ऑफ ऑटो ऑक्सीडेशन, इट इज ऑल्सो पॉपुलर बाय द नेम ऑफ ऑटो ऑक्सीडेशन, ये ऑटो ऑक्सीडेशन के नाम से भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। रिएक्शन क्या है, किसके प्रेजेंस में होगा, डेफिनेटली रिएक्शन विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब आपका ईथर एयर के एटमोस्फियर में
डायरेक्टली एटमोसफेयर के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में हो, एयर के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में हो, या ऑक्सीजन है, सनलाइट भी है वहां पे, तो ऐसे टाइप का रिएक्शन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन दैट ईथर कंबाइंस विद ऑक्सीजन गैस टू गिव यू पेरोक्साइड्स, टू गिव पेरोक्साइड्स ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोपेरोक्साइड्स, उनको हाइड्रोपेरोक्साइड्स के भी नाम से बुलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो मेरे पास ईथर है CH3CH2O CH2CH3, बराबर। ईथर का नाम क्या है? डाइथाइल ईथर। ठीक है, अब ये जो डाइथाइल ईथर है इसका रिएक्शन किससे हो रहा है? ऑक्सीजन से हो रहा है, बराबर। कहां पे? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट यू कैन सी, बराबर। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि लॉन्ग कॉन्टैक्ट ऑफ एयर, बराबर। ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए वो एयर के साथ कॉन्टैक्ट में है तभी भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा कि ऑक्सीजन जो होगा ना, ऑक्सीजन विच इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, जो डायरेडिकल है, बराबर। ये ऑक्सीजन का डायरेडिकल, ऑक्सीजन का डायरेडिकल ईथर और ऑक्सीजन के एडजेसेंट कार्बन पे अटैक करेगा, याद रखना ये बात। ईथरल ऑक्सीजन जो है, जो ईथर का ऑक्सीजन है उसे ईथरल ऑक्सीजन बोलते हैं, ईथरल ऑक्सीजन के कार्बन पे अटैक करेगा। यू गॉट दिस? ठीक है, देखिए CH3C, बराबर। अब यहां पे देखना, यहां पे पॉइंट आ रहा है, ये जो CH2 वाला पार्ट है आपका, ये इसका एक H ऊपर रहता है, एक H नीचे रहता है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा ओपन कर रहा हूं, ये स्ट्रक्चर को ना इधर इस कार्बन के थ्रू मैं ओपन कर रहा हूं, H ऊपर H नीचे। ठीक है, इधर आ जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, बराबर। कौन सा बॉन्ड बन गया? ये पेरोक्साइड। क्या बन गया? ये पेरोक्साइड, इसी को हाइड्रोपेरोक्साइड भी बोलते हैं। बाकी का पार्ट एज इट इज, किसी एक तरफ होगा, बराबर। एंड दीज हाइड्रोपेरोक्साइड्स आर एक्सप्लोसिव, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, एक्सप्लोसिव होते हैं, बराबर। अगर इनको, दे आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स हीट, हीट किया ना तो एक्सप्लोजन होने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, याद रखें इस बात को, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बराबर। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनस्टेबल। जनरली आपने ये वर्ड हमेशा सुना होगा, जब भी पेरोक्साइड की फॉर्मेशन होती है वहां पे ये बोला जाता है कि ये जो कंपाउंड है वो अनस्टेबल है। ठीक है, दिस इज योर अनस्टेबल एंड हैजार्डस प्रोडक्ट, बराबर। अनस्टेबल एंड हैजार्डस, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बाद। अगर ये सैंपल में जो आपके पास ईथर है उसमें अगर इसकी फॉर्मेशन हुई है, बराबर, तो और आप डिस्टिलेशन वगैरह कुछ परफॉर्म कर रहे हैं तो एक्सप्लोजन की भी चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो मैं कैसे इसे कंफर्म कर लूं? मैं आपको वो भी समझा देता हूं कि ये पेरोक्साइड का सैंपल ईथर में बना है या नहीं बना है। ठीक है, तो अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो कंटेनर आपने लिया है ना, जो सैंपल आपने लिया है ना, वो सैंपल है पेरोक्साइड का, बराबर। वो सैंपल किसका है? पेरोक्साइड का। तो व्हेन यू ऐड फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ऐसे सैंपल में व्हेन यू ऐड फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 ferrous sulfate along with KSCN, जिसे बुलाया जाता है potassium thiocyanate, बराबर। जब ये कंपाउंड्स को मैं ऐड करूंगा ना इस सैंपल के अंदर, जिसमें जिसे चेक करना है कि पेरोक्साइड है या नहीं है, ठीक है, तो ऐसा सैंपल अगर प्रोड्यूस करता है ब्लड रेड कलर, क्या प्रोड्यूस करता है? ब्लड रेड कलर। ठीक है, अब रेड कलर नहीं है मेरे पास मार्कर, इसलिए मैं ब्लैक सी लिख दे रहा हूं, पर याद रखो ब्लड रेड कलर। दिस ब्लड रेड कलर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSCN थ्राइस, बराबर, पॉपुलर बाय द नेम ऑफ फेरिक थायोसाइनेट। ये जो कंपाउंड बन रहा है ना, ये कंपाउंड वहां पे जो पेरोक्साइड है ना, पेरोक्साइड इस कंपाउंड को फॉर्म करता है, फेरिक थायोसाइनेट को, और ये कंपाउंड का कलर होता है ब्लड रेड कलर। कंपाउंड कैसे बनता है वो भी समझ लेते हैं। FeSO4 में Fe कौन सी फॉर्म में, बोलो? हियर इन केस ऑफ FeSO4 दैट Fe इज फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो पेरोक्साइड है ना उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, बराबर। अपने काम में कहीं भी रहे काम करेंगे आपका, तो ये Fe+2 कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 की फॉर्म में, और ये Fe+3 कंबाइन हो रहा है 3SCN- से, जो प्रोड्यूस कर रहा है FeSCN थ्राइस, बराबर। और FeSCN थ्राइस का कलर क्या है? ब्लड रेड कलर। बात समझ में आया? ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन डिटेक्ट कि जो सैंपल मैंने रखा हुआ था ईथर का,
कहीं उसमें पेरोक्साइड तो नहीं बन गया है? अगर ऐसा कुछ डेवलप हुआ तो डेफिनेटली पेरोक्साइड बन गया है. नाउ बी केयरफुल, क्योंकि आपको पता है क्या हो सकता है. ठीक है, आया बात समझ में? तो ये फर्स्ट रिएक्शन जो क्या इन्वॉल्व कर रहा है, अल्काइल ग्रुप को इन्वॉल्व कर रहा है. क्लियर हो रहा है आपको बात?